यूट्यूबर और इंटरनेट सेंसेशन एलविश यादव ने बिग बॉस ओटीटी के दूसरे सीजन को जीत लिया है। सलमान खान के शो में एलविश ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी और सीजन के विनर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। फिलहाल एलविश यादव अपने करियर में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाल ही में उनका बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला संग हम तो दीवाने हैं सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। दोस्तों, जब एलविश बिग बॉस के घर के अंदर थे तब कई को कंटेस्टेंट उनके साथ फ्लर्ट करते दिखे, लेकिन एलविश ने किसी पर भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ऐसा कहा जा रहा था कि कृति मेहरा, जो कि खुद एक यूट्यूबर है, वो एलविश की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हो गया है। इसी बीच लोगों के दिमाग में लगातार ये सवाल आ रहे थे कि दोनों की ब्रेकअप की असल वजह क्या है, क्योंकि दोनों ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। ऐसे में कृति ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में बताया कि उनका ब्रेकअप आखिर एलविश के साथ क्यों हुआ। दोस्तों, ब्रेकअप से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों की लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। खबरों के मुताबिक एलविश और कृति ने करीब 6-7 सालों तक एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि 1.5 साल पहले दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। एलविश और कृति यूट्यूब वीडियोस में साथ काम करते थे और मजेदार ह्यूमरस वीडियोस से अपने फैंस को एंटरटेन करते थे, पर फिर दोनों अलग हो गए। 1.5 साल से दोनों की राहें अलग हो गयी। कृति भी सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पर उन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं। कृति ने बताया था कि एक बार जब वे डांस प्रैक्टिस कर रही थी तब एलविश ने उन्हें पहली बार देखा था और पहली नजर में ही उन पर अपना दिल हार बैठे थे। कृति ने एक और इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनकी लाइफ में एलविश बहुत अहमियत रखते हैं। एलविश ही वो इंसान है जिन्होंने कृति को कंटेंट कैसे बनाते हैं वो तक सिखाया था और उनका चैनल बनाने में भी उनकी मदद की थी। एलविश और कृति साथ में कंटेंट बनाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। दोस्तों, अफवाह थी कि एलविश ने कृति को धोखा दिया था, जबकि कृति ने खुद सामने आकर कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक टॉक शो में ये बताया कि कैसे जब उनके पापा की डेथ हो गई थी तब वो खुद को और अपनी मम्मी को संभाल नहीं पा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें। वो अपने रिलेशनशिप में भी इसी चक्कर में ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से एलविश और उनके बीच काफी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो कृति ने सोचा कि इस रिलेशनशिप से जाना ही बेहतर होगा और अपने करियर पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा, क्योंकि कृति के पापा भी चाहते थे कि उनकी बेटी अपने करियर पर ही ध्यान दे। तो ऐसा सोचकर कृति ने एलविश से ब्रेकअप कर लिया था। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कृति मेहरा के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।